Hello friends, good morning. How are you? I hope so all students are good. We will learn today standard 5 subject computer. Part 2. Part 1 में हमने क्या देखा student? Part 1 में हमने देखा input की definition, process की definition, storage और output की definition learn की हमने, ठीक है? और अब हम part 2 में सीखने वाले mouse. ओके इनपुट डिवाइस में टू टाइप कीबोर्ड बिना में देख लिया और अब हम देखने वाले हैं माउस और मॉनिटर. आउटपुट डिवाइस में क्या देखने वाले हैं? आउटपुट देखने वाले हैं. आउटपुट डिवाइस में हम मॉनिटर देखने वाले हैं. ओके तो माउस आपने सबने देखा होगा. माउस कैसा है सबको पता है. माउस कैसा है सबको पता है. हम अपनी पाम में हथेली में रख सकते हैं माउस को. क्या हमारी हथेली जितना है इतना सा छोटा है कम अपनी हथेली में रख सकते हैं. ओके माउस सबने देखा होगा. माउस के कितने बटन होंगे? माउस के 2 या 3 बटन होंगे. माउस के कितने बटन हैं? 2 या 3 बटन. लेफ्ट राइट और स्क्रॉल बटन 3 बटन होते हैं. कितने होते हैं? 3 बटन होते हैं. हम पहले देखने वाले माउस ही. द माउस इज द पाम साइज प्लास्टिक डिवाइस विथ 2 or 3 बटन्स. कितने बटन है? 2 or 3 बटन्स होते हैं. द लेफ्ट माउस बटन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बटन. माउस की लेफ्ट साइड की है हम बार बार उसको क्लिक करने के लिए हम यूज करते हैं. फ्रिक्वेंटली हम इसको यूज करते हैं. द माउस इज स्किप्ड एंड मूव ओवर द माउस पैड. माउस के कहाँ पर सरकना है? माउस को माउस पैड पर सरकाना है, नहीं कि कहाँ किधर भी. ओके माउस को माउस पैड पर सरकाना है. इट इज देन दैट माउस शो वेर यू आर करंटली लुक वर्किंग ऑन द स्क्रीन और पॉइंट्स टू अ लोकेशन ऑन द स्क्रीन. हिंस द माउस इज ऑल्सो नो एज माउस पॉइंटिंग डिवाइस. माउस को क्या बोलते हैं? माउस पॉइंटिंग डिवाइस भी कहला जाता है. क्यों? जब हम माउस को सहला सकते हैं ओके तो स्क्रीन पर हमने एरो देखना होगा. क्या एरो बताते हैं उसको? हम जब सरकाते हैं मूव करते हैं माउस को, क्या मूव करते हैं ओके तभी स्क्रीन की एरो पर वो एरो मूव होता है. उसको क्या बोलते हैं? माउस पॉइंट कहते हैं. क्या कहते हैं? माउस पॉइंट. उसको हम माउस डिवाइस भी पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं. तो हमने माउस देख लिया. माउस का 2 या 3 बटन होते हैं लेफ्ट राइट और स्क्रॉल बटन. फ्रीक्वेंटली यूज कौन से बटन होते हैं? फ्रीक्वेंटली यूज हम लेफ्ट बटन यूज करते हैं. किस लेफ्ट बटन को हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं? इट इज देन मूव और अवर माउस कीप द माउस पैड. माउस पैड को हम माउस पैड पर सरकाना चाहिए ओके. बस माउस पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं. माउस को क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं. अब हम क्या हमने सीख लिया आउटपुट इनपुट के 2 डिवाइस ओके. कौन से? कीबोर्ड और माउस. अब हमने देखने वाले हैं आउटपुट डिवाइस. तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर और प्रिंटर. अब हम देखने वाले हैं मॉनिटर. अब सबने मॉनिटर देखा होगा. अब वो कैसा लगा मॉनिटर? टीवी स्क्रीन जैसे देखा? कैसे? टीवी स्क्रीन जैसे दिखता है ओके. माउस मॉनिटर कैसे दिखता है? टीवी स्क्रीन जैसे दिखता है. सबने देखा हो कंप्यूटर लैब ने अपने सब लोगों ने देखा होगा कि मॉनिटर कैसे बताते हैं. तो मॉनिटर लुक एज टीवी स्क्रीन. कैसे दिखते हैं? टीवी स्क्रीन जैसे दिखते हैं. मॉनिटर कैसे दिखते हैं? टीवी स्क्रीन जैसे. नेक्स्ट टॉपिक, इट इज कनेक्ट टू सीपीयू बॉक्स विद द केबल. किसके साथ जॉइंट होता है? वो सीपीयू के साइड कनेक्ट होता है. क्या? केबल थ्रू मॉनिटर सीपीयू बॉक्स में कनेक्ट होता है. इट हैज पावर बटन टू स्विच इट ऑन द ऑफ. उसमें क्या होता है? स्विच ऑफ बटन और स्विच ऑन बटन होता है. एंड ऑल्सो हैज कंट्रोल फॉर ब्राइटनेस और करेक्टनेस. क्या होता है? उसको हम ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं. उसके लिए वहाँ पर बटन होगा ओके. पीछे वॉइस बटन भी होगा. वॉइस बढ़ाने के लिए अप करने के लिए प्लस बटन होगा और वॉइस डाउन करना है उसके लिए हमने माइनस बटन भी स्क्रीन पर होता है. नीचे या लेफ्ट साइड पर वो बटन दिखता है. तो मॉनिटर इज ऑल्सो नो एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट. मॉनिटर को क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट. उसका फुल फॉर्म है वीडियो का फुल फॉर्म. सब लोगों ने नोट करना होगा कि वीडियो का फुल फॉर्म क्या है.
विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को दूसरे नाम कहाँ बोल, दूसरा नाम क्या है मॉनिटर का, दूसरा नाम क्या है तुम सबने पता होगा क्या? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। व्हेन यू एंटर डेटा और गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, क्या कहते हैं वो इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं। ओके, मॉनिटर में हम क्या रखने वाले हैं? इंस्ट्रक्शन, एटले कि इंफॉर्मेशन डालने वाले हैं। तो मॉनिटर स्क्रीन डिस्प्ले वे वॉट एवर यू आर टाइपिंग करंटली, क्या कहते हैं हम टाइपिंग करते हैं। ओके, वो कहाँ पर बताते हैं? मॉनिटर स्क्रीन पर बताते हैं। क्या कहाँ पर दिखते हैं? मॉनिटर स्क्रीन पर हम देखने वाले हैं। हमने कुछ भी टाइप किया, माय नेम इज एक्स वाई जेड, माय स्कूल नेम इज नवनिधि इंटरनेशनल स्कूल। ओके, और ये सब ने हमने टाइप कर लिया तो कहाँ पर दिखने थे? तो वो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर सब ने देखा होना, सब देखना। ओके, वो मॉनिटर स्क्रीन पर हमने देखना होगा। तो अब हम क्या सीखा? माउस और क्या दिखा? आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर सीखा। ओके, तो ये सब अपने नोट करना होगा, क्या ये सब अपनी बुक में नोट करना है। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट हमने मॉनिटर देख लिया। ओके, मॉनिटर क्या है, वो किस तरह से हम यूज करते हैं वो हम देख चुके। अब हम देखने वाले हैं प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस में हम देख चुके हैं मॉनिटर, अब हम देखने वाले हैं प्रिंटर। प्रिंटर आप सबने देखा होगा कि प्रिंटर कैसे हुआ है, कैसे है, बराबर, कि कैसे किस तरह वो वर्क करते हैं, तो सबने देखा होगा। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या है? Any information generated by the computer is displayed the monitor. मोनिटर पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो हमने मॉनिटर में ले ली और हमने इंफॉर्मेशन जनरेट कर ली, फिर हमने क्या वो मॉनिटर स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। ओके, फिर हमने वो जो हमने डॉक्यूमेंट लिखा, ओके, वो हमने प्रिंट निकालनी है। क्या करनी है? प्रिंट निकालनी है। और ठीक है, तो हम प्रिंट निकालेंगे, प्रिंटर में हम प्रिंट निकालेंगे। वो उसका हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या है, किस किस को पता है कि हार्ड कॉपी किसको बोलते हैं और सॉफ्ट कॉपी किसको बोलते हैं? तो क्या हार्ड कॉपी क्या है? तो क्या हार्ड कॉपी की डेफिनेशन है द प्रिंटर कॉपी ऑफ द टेक्स्ट और पिक्चर इज द कॉल्ड हार्ड कॉपी। क्या कहते हैं कि द प्रिंटर कॉपी, जो कॉपी प्रिंट में निकलती है उसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। सपोज हमारे पास बुक है, कंप्यूटर की हमारे पास बुक है, वो बुक को क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी बोलते हैं। आपका रिजल्ट आया, बराबर, आपका रिजल्ट आया, ठीक है, फिर आप स्कूल आए, रिजल्ट आपने लिया, और रिजल्ट की जो आपके हाथ में कॉपी है उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी क्या है स्टूडेंट? तो क्या सॉफ्ट कॉपी मीन्स आपकी जो रिजल्ट तैयार आपकी रिजल्ट है, ओके, वो एंटर की डेटा हमने एंटर किया मॉनिटर कीबोर्ड थ्रू, हमने मॉनिटर में एंटर डेटा किया, ओके, मार्क्स है, टोटल है, परसेंटेज है, वो सब कुछ हमने एंटर कर दिया, फिर हम वो मॉनिटर स्क्रीन पर जो देख सकते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाती है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी क्या, जो अपने हाथ में आती है, रिजल्ट बनकर हमने अपने हाथ में आता है उसको बोलते हैं हम हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी क्या, जो हम सिर्फ देख सकते हैं। ओके, सॉफ्ट कॉपी की डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स स्टूडेंट? तो दिस इज बिकॉज द कॉपी स्टोर्ड बाय द कंप्यूटर और डिस्प्ले ऑन स्क्रीन कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। मैंने पहले ही कह दिया कि सॉफ्ट कॉपी क्या है। तो क्या सॉफ्ट कॉपी जो सिर्फ आप मॉनिटर में देख ही सकते हो, ओके, आप छू भी सकते नहीं हो, सिर्फ देख सकते हो, उसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी मीन्स जो अपने हाथ में आती है उसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। और हम देखने वाले हैं प्रिंटर की डिफरेंट टाइप्स। वन टाइप ऑफ प्रिंटर तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर, प्रिंट्स की पहली टाइप है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या है? तो वो तो बहुत साल पुराने वाला प्रिंटर है, वो बहुत साल पहले चलता था प्रिंटर। अब क्या, अब तो अब कौन सा प्रिंटर चल रहा है? अब चलता है लेजर प्रिंटर। अब सबने देखा होगा कहीं पर जेरोक्स दुकान पर प्रिंटर होगा,
ओके फ्रेंड्स, जेरोक्स की दुकान पर प्रिंटर होता है, फिर अपनी स्कूल में है, ऑफिस में होगा, बैंक में होगा, वहाँ सब जगह प्रिंटर होता है। वो करंटली जो यूज होता है उसको क्या है, वो लेजर प्रिंटर है। अब हम देखने वाले हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या है फ्रेंड्स? अ डॉट मैट्रिक प्रिंटर हैज अ स्मॉल ऑफ द नीडेड लाइक पिन प्रिंटर होल्ड ऑन पिक्चर। जो वो पिन होती है, अब सबके घर में सुई होगी ओके, सुई वो कैसी है? नीडेड लाइक पिन्स। वो जो पिन्स होती है वो वैसी तरह वो क्या होती है, जब वो पेपर है उस पर वो छप जाती है ओके। तो क्या पिन्स भी वर्ड प्रिंट क्या प्रिंट करता है? वर्ड और लेटर, वर्ड और पिक्चर वो क्या प्रिंट करते हैं ओके। दिस वर्ड और प्रिंट आर बी प्रिंटेड इन द फॉन्ट ऑफ द डॉट्स। क्या वो डॉट डॉट वो कर जाता है क्या? डॉट डॉट से वो प्रिंट होता है, डॉट डॉट से वो पिक्चर बनता है और वर्ड बनता है ओके। वो उन डॉट मैट्रिक प्रिंटर में सीखा। फिर क्या होता है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर इज वेरी नॉइजी एंड स्लो। वो बहुत शोर मचाता है, टिक 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 ऐसा बहुत शोर मचाता है। वो नॉइजी भी है और स्लो भी है। कैसे? एकदम स्लो में वो वर्क करता है। हमने कहा पढ़ा डॉट मैट्रिक प्रिंटर भरा ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर क्या है? द हेड ऑफ एन इंकजेट प्रिंटर हैज मैनी टीनी होल्स ऑन इट। उसमें क्या होता है, मैनी टीनी मीन्स के स्मॉल होल होता है, जैसे कि स्मॉल वो बहुत सारे जैसे होते होल होता है ओके। इंकजेट प्रिंटर कैन प्रिंटर बोथ ब्लैक एंड वाइट कलर। वो कैसे प्रिंट निकलता है? ब्लैक एंड वाइट कलर में प्रिंट निकलता है, कलर प्रिंट वो निकलता नहीं है। कैसे निकलता है? ब्लैक और वाइट में वो प्रिंट निकलता है। एंड इंकजेट प्रिंटर इज क्विक चिप इजी टू बी यूज एंड क्वाइटर देन डॉट मैट्रिक प्रिंटर। वो कैसी है? चीप है और सस्ती है ओके। क्या प्रिंटर क्वाइट भी चीप ही इजी टू बी यूज। उसका यूज़ कैसा है? इजीली हम यूज़ कर सकते हैं, वो हार्ड उसका यूज़ नहीं है, हम इजीली उसका यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड में हम पढ़ने वाले हैं लेज़र प्रिंटर। अब जो हमारे करंट में यूज़ होता है वो कहाँ, वो कौन सा प्रिंटर है? वो लेज़र प्रिंटर है। तो लेज़र प्रिंटर का वर्क हम देखने वाले हैं। अ लेज़र प्रिंटर प्रिंट्स वर्ड और पिक्चर। क्या प्रिंट करता है? वर्ड और पिक्चर विद द हेल्प ऑफ लेज़र बीम। लेज़र बीम के यूज़ से वो क्या बनता है? वर्ड और पिक्चर बनता है। लेज़र बीम के यूज़ से वो वर्ड और पिक्चर बनता है। नेक्स्ट, अ लेज़र प्रिंटेड प्रिंट्स ऑन द होल पेज ऑन वंस। क्या वो आखिर पूरी पेज में वो प्रिंट कर सकता है? क्या आखिर पूरी पेज वो एक ही हाथ है वो प्रिंट कर सकता है? अ लेज़र प्रिंटर इज कॉन्स्टेंटली देन द इंकजेट प्रिंटर बट इज प्रिंटर भी हाई स्पीड। उसकी कैसी स्पीड है? हाई स्पीड है, वो स्लो में काम नहीं करता, वो किसी हाई स्पीड में वो प्रिंट करता है। जो लेज़र प्रिंट है वो एकदम हाई स्पीड में वो वर्क करता है। जैसे कि हमने बुक को प्रिंट करनी है तो वो कम से कम 10 या 20 मिनट में हो जाती है, लेकिन वो इंकजेट में या डॉट मैट्रिक प्रिंटर में की जाती है प्रिंट तो बहुत सी उसको देर लगती है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, ये हाई स्पीड में वर्क करता है। तो हमने क्या पढ़ा भी फ्रेंड्स? हमने पढ़ा मॉनिटर, फिर पढ़ा प्रिंटर ओके फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।